बड़ी नहीं है, बिल्कुल आसान हो गई। चुनौती तो उस वक्त बड़ी थी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, लुभावना भाषण, उसमें लोग बह गए, वो चुनौती मुश्किल थी। अभी हमारे सामने कोई चुनौती नहीं और है। अभी हाल ही सिवान की जनता मेरे साथ है और सबका सहयोग आप लोग देख ही रहे हैं। सभी समाज से ऊपर उठकर, सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी सहयोग में हमारे हैं। सभी लोगों ने देख लिया, सभी को वोट देकर सिवान की जनता पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को बदल कर, और एक बार बदल कर देखा, दूसरी बार मोदी जी के लहर को देखा और बहुत सारी बातों को देखकर, उनके कार्यकाल को देखकर अब वो अपनी मन बना चुकी है कि फिर से भाई हम लोगों को सिवान में विकास चाहिए, और विकास नहीं होगा तो फिर हमारा सिवान बहुत पीछे चला जाएगा। और जो भी काम हुए हैं वो खुले आँखों से सबको दिख रहे हैं, चाहे हमारे सिवान के जो भी जनता जनार्दन हो, जो हमें वोट ना दे उन्हें भी दिख रहा है, जो देंगे उन्हें तो सौता ही दिख रहा है। शहाबुद्दीन यदि जेल से बाहर होते तो शायद जाहिर है आपको ज़्यादा। देखिए, जो आदमी कर्म करता है उसी का ये मिलता है। उन्होंने काम किए हैं सिवान जिला में और वो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद रहे, तो उन्होंने काम जो किया है उस पर ही जनता हमारे साथ सहयोग कर रही है। हमें ज़्यादा कोई उस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी जनता का सहयोग की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ।